हेलो जी, कैसे हो सभी। वेलकम टू कंपाउंड व्लॉगिंग। सभी को राम राम मेरी तरफ से। तो आई होप सभी बढ़िया होंगे और जो भी हालचाल है बता दो कमेंट में। तो भाई एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि एक बार बताओ कि कौन कौन से बच्चों ने मेरे थ्रू, मतलब जिन्होंने हमारे चैनल से काउंसलिंग करी है थोड़ी बहुत, जिनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, और जो YMCA में आए हैं, मतलब जो भी बच्चे YMCA में आ गए हैं और जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है या फिर जो लेने वाले हैं, एक बार कमेंट कर दो। जो भी YMCA में आ गए हैं या फिर लेने वाले हैं एडमिशन, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। और बाकी अब हम हो चुके हैं तैयार फॉर कॉलेज। चार्जर वार्जर ये रखा और बैग वैग यहाँ पे ऐसे पड़े हैं और मम्मी पीछे पड़ रही है, दूध दूध पी ले तो अभी पी रहे हैं। अभी दूध पी के निकलते हैं बस कॉलेज, और कुछ काम ही नहीं हमारे पास, अभी निकलते हैं। चलो ठीक है, ओके। हाँ भाई, एक पोस्ट और डाली थी मैंने कल रात को, वो था कि हम YMCA में एक मीटअप रख रहे हैं। जो वो कि मीटअप नहीं है, उसका कोई मेन पर्पज रोड़ा वोड़ा करने का नहीं है। उसका मेन पर्पज यही है कि हम बस जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे हमारे थ्रू आए हैं, और बाकी और मेन पर्पज तो कुछ और ही है, उसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले एक बार सभी बच्चे YMCA में आ जाओ, उसके बाद उसको प्लान करते हैं। अभी तो वो प्लान है नहीं, बाकी जब भी प्लान करेंगे आपको इंस्टाग्राम पर बता देंगे। इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पर कुछ मैं दे दूँगा, उसको फॉलो कर लेना सारे बच्चे। तो ठीक है, चलो अभी कॉलेज चलते हैं। तो भाई देख लो YMCA में, यार हमारी क्लासेस में AC भी लग रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पंखे भी लग रहे हैं पूरी चारों तरफ, और AC दो दो लगा रखे हैं। तो भाई फिलहाल बच्चे जा रहे हैं पेपर देखने मैथ्स का। विंटू सर क्या कहना है आपका? भाई कुछ ना कहना, तो पेपर ही ना देख ले, मेरे क्या मतलब पेपर देखने को। तो भाई मेरे हिसाब से हमें उल्टा चले जाना चाहिए, मैथ का रिजल्ट बहुत ही बेकार। ये तो झूठ आया था, सबसे नंबर वन झूठ बोलता है। अरे बढ़िया बढ़िया पेपर का यार तेरा भी, यार कैसी बात कर रहा है यार, तेरे 80 नंबर आ रहे हैं इंटरनल में। कितने मैथ में? इंटरनल मैथ में कितने? मुझे ना चाहिए मैथ इंटरनल में कितने? मैथ इंटरनल में 15 नंबर 25 में। भाई 25 में तो 15 नंबर ले रहा है यार। भाई मैं थोड़ी थोड़ी ना करे तो 75 में तो कम से कम 40 तो आएंगे। झूठ बोला है, सबसे ज्यादा झूठ बोला है। तो भाई यहां पे बच्चों की धड़कनें बढ़ती हुई, पेपर चेक हो रहा। भाई क्या हाल है भाई? फटी पड़ी है दिख रहा है। कैसा कैसा रिजल्ट रहा था कल? जले पे नमक नहीं छिड़क रहा भाई, बढ़िया रिजल्ट था। मेरा अच्छा ही था ना। अच्छा आज का कैसा है? आज का देखते हैं फिर क्या होता है। मजा आ जाएगा आज? कैसा लग रहा, पास हो सकता है भाई? मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है तू। हाँ जी, तो फिलहाल हम अभी अपने पेपर देख के आ चुके। तो भाई कैसा रिव्यू है पेपर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सूतिया चेकिंग भी बेकार चेकिंग हुई, मतलब कहने का ही है भाई। ऐसी कोई बात नहीं यार, चेकिंग तो सही हुई थी। 43 नंबर आए, 43 आए मेरे तो। ले लो 43 नंबर आए। तो भाई यार वो पेपर बहुत हार्ड था ना, हाईएस्ट ही 50-60 नंबर आ रहे बच्चों के, समझ रहा तू? तो 40 बहुत है। कितने? 70 में से 74। किसके? मेरे। अजी दूर 40 नंबर ला के 74 बता रहा है। तो भाई कहने का मतलब ये चेकिंग थोड़ी सी हार्ड हो रही है फिलहाल। फिजिक्स में आधी क्लास फेल है भाई। फिजिक्स में तो मजाक से हटके आधी क्लास फेल, हम पास, हमारे बढ़िया नंबर है। हमने मतलब मैंने सोचा था कि मैथ में बढ़िया नंबर आएंगे और फिजिक्स में हम मतलब फेल हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैथ से ज़्यादा नंबर आ गए। मजा आ गया बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं, अगर लाइफ बर्बाद करनी है तो इस कॉलेज में आ जाना, वरना कोई ज़रूरत नहीं इस कॉलेज में आने की। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं कैफेटेरिया, कुछ चाय वाय पीते हैं अभी वहाँ। और ये YMCA की थोड़ी सी आर्ट देख लो भाई, कुछ कुछ इस प्रकार की आर्ट है यहाँ पे, बहुत पहले बनी थी सृजन की। और कुछ टाइम बाद यहाँ पे अग्निवेश की, और इसके साइड में मेरी फ़ोटो आएगी, और तुम देखना इस बंदे की फ़ोटो और इस बंदे की फोटो देख लेना। तो मैं बहुत ज़रूर से लगवाई जाएगी बिल्कुल स्वर्ण अक्षरों में। हाईएस्ट प्लेसमेंट लेंगे भाई, हाईएस्ट प्लेसमेंट वाला, क्योंकि हम सारे बच्चों को छोड़ के आ गए। वहाँ पे बच्चे अपना नंबर चेक कर रहे हैं जो फेल हो गए हैं, हम तो आई चौक पर आ गए। और भाई जिस जिसको वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है वहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे हैं बच्चे, तो आप भी आओ और वॉलीबॉल में इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना, और हमारे कॉलेज का फ्यूचर बढ़ाओ वॉलीबॉल में। नेशनल वैशनल जीत जाओ और चक्का जाम कर। और भाई एज मेंशनड अर्लियर YMCA में लिफ्ट भी है, देख सकते हो आप यहाँ पे सेकंड फ्लोर, सिर्फ दो फ्लोर के लिए लिफ्ट है और दो ही फ्लोर है। देख लो भाई फैसिलिटी। और सामने प्रियांश गुर्जर अपने चैनल का प्रमोशन करते हुए सर के साथ। प्रियांश भाई क्या कर रहा है? अपने चैनल को बता रहा है। तो भाई हमारे सर हैं DE के, और प्रियांश अपने चैनल के बारे में बता रहा सर को, देख रहे हो। फिलहाल हम आए थे अपने दोस्त के PG पे, तो दोस्त हमारा जिम कर रहा था यार। भाई जिम कर लिया यार, कहाँ क्या हो गया? जिम करो भाई, जिम करो यार, पैसे दे रहे हो आप जिम करने के भाई। हेलो क्या हाल है भाई, हाय तो कर दे यार। मान गया भाई, मान गया।
योरा जिमर लड़का आ चुके अपने दोस्त के पीजी पर, और पीजी पे इन्होंने मतलब इनके पीजी के जस्ट साइड में एक जिम है जो कि इनके पीजी से ही कनेक्टेड है, उस इनके लिए तो कॉम्प्लीमेंट्री है। बाकी मैं आज पहली बार आया हूँ जिम में, और यहाँ पे यार जिम तो ठीक ठाक सी बन रही है। और ये हमारा दोस्त तो ये रोज जिम करता भाई, अंकित नाम है इसका। तो भाई हम भी आज पहली बार जिम करेंगे यार इसके साथ। वैसे तो मैंने आज तक जिम नहीं करी है, बाकी पहली बार ट्राई करूँगा कि कितने कितने के डंबल वम्बल लग सकते हैं मुझसे, ये देख लो भाई मेरे को एक बार, और एक बार ट्राई करते हैं। एक बार डेडलिफ्ट मारी थी, मुझे नहीं पता शायद 100 की मारी थी, अब इसके बाद अब ट्राई करते हैं कितने की लगती है। तो चलिए देख भाई जिम करने से पहले एक बार प्रोटीन ले लेते हैं अपना कश्मीरी मिक्सचर। खाएगा भाई तू? खाएगा ना भाई तू? पोस्चर तो खराब हो भाई तेरा, बेल्ट ऊपर जा रही है यार, हटा दो। ठीक है हटा दे। ठीक से ज्यादा ऊपर जा रही है पोस्चर, ठीक रहा है बस। ना लग रही सही है? हाँ कमर सीधी रखियो, ये शाबाश। सर मारी यार मैंने, कैसी लगी? बढ़िया थी भाई, बढ़िया थी भाई। पहली बार ट्राई करा मतलब एक बार और मारी थी बिना बेल्ट के ऐसी नॉर्मली, बाकी मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा ठीक लगी, पर ठीक है यार हम तो पहली बार मार रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अपना पढ़ने वाले बच्चे हैं। और तुम्हें पता है YMCA में यार कौन सा बच्चा, इतने ज़्यादा बच्चे YMCA में जिम नहीं करते, कुछ ऐसे बच्चे जो दो चार पढ़े लगे होते हैं और जिम भी करते हैं साथ साथ। और एक बच्चा और हमारे ख्याल का अमन जो सो रहा था भाई, दोनों काम करता उसके। आज कितने नंबर आए मैच में? 54 नंबर। पार्टी तो बनती यार 54 नंबर पे है ना भाई? 54 नंबर आए भाई के, और घने नंबर आ गया, इतने में दो बच्चे पास हो जाते। बाकी चलो ठीक है यार, हमको तो इतनी ज़्यादा नीड है नहीं, बाकी एक दो चीज़ और ट्राई करते हैं फिर निकलते हैं। भाई डर लग रहा है यार, 70 सही है? ये तो बहुत ही आसान है यार। मार नू थोड़ी लग रहा है बावली। किस तरह का जीवन में पहली बार मैंने ट्राई करा था बेंच प्रेस, वो तो नहीं लगा यार, बहुत कोशिश कर ली बिल्कुल नहीं लगा। 70 का ट्राई करा था बिल्कुल नहीं लगा, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मतलब यार लग जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। पर हाँ यार मुश्किल तो है शुरू शुरू में, 70 का तो नहीं लगा, 50-60 का तो मार दिया मैंने। बाकी हमारे भाई ने मार दिया यार, हैवी वेट कितने का है? 70 का होगा कम से कम एक तो ही। 70 का कितने का है? 2.5 किलो का। अरे इतना हैवी, ओ माय गॉड। थोड़ी सी नमकीन खा लेते हैं यार, प्रोटीन की कमी पड़ रही है शरीर में। निकाली भाई यार थोड़ी सी यार, पूरा बिखर गई, कोई दिक्कत तो ना भाई? ले पकड़ के, मेरा पकड़ भाई। जिसने जिम करी है ना उसके लिए खास है कश्मीरी मिक्सचर फ्रॉम, ये क्या भाई? अरे मैं तो इसकी बीकानेर की यार क्या नाम है उसका, हल्दीराम समझ खा रहा था, ये तो कलेवा भाई, इसलिए नहीं लग रही थी मुझसे। हल्दीराम की होती ना, हल्दीराम की होती तो मार देता हूँ। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है भाई को। अरे ये कलेवा की तरफ से, ये कोई बाई करने की वो एडवाइस नहीं है हमारी, कलेवा ने हमको कोई स्पॉन्सर नहीं किया है, तो ऐसे हमारे पास थोड़ा बजट कम था इसलिए हल्दीराम नहीं खरीद पाए। जय श्री राम।
बहुत हैवी वेट है भाई। दिखा दे एक बार 300 किलो दिखा दे तू सबको। अरे भाई 300 किलो मार रहा हूँ यार, हल्के मत लेना। चल एक बार ट्राई करते हैं। हम बड़ा यहाँ बढ़ा सकते हैं। हाँ डाल दे। अरे इतना तो यार कितना है बाहर है। छोड़े बगैर छोड़े कोने पे से पकड़। कोने पे पकड़। हाँ यहाँ इधर से। हाँ यहाँ तक कर दे भाई। भाई जान खतरे में आपकी बात प्लान से मुझे भाई ओपन चैलेंज है। गलत है भाई, गलत तुम्हारा है भाई। फाइनली हमने सारी जिम से मार लिया और एट लास्ट मैं अमन भाई से कहना चाहूंगा कि असलाम भी रखते हैं प्रधान, जब मर्जी भेट लिए ठीक से, ठीक से जब मर्जी भेट लिए भाई अमन, और सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, बाय बाय।